अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर होंगे। साथ हम अपने व्लॉग करते गाज और व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल मेरा पेपर है जी, तो मैं उसकी तैयारी करूँ जी जी, उसकी ये उसकी चीज़ें हैं। तो ये कंपस है, ये डिवाइडर है, ये कंपस है, ये पेज को कट करता है, ये डी स्केल है, और ये डिवाइडर है, और ये और यहाँ पर एक पेंसिल पड़ी, और ये जो पेज को कट करते हैं वो है, और ये डी स्केल है, और ये डिवाइडर है, और ये ट्रायंगल है, और जी ये पेंसिल है, और ये शार्पनर, और ये दोनों लगे थे पर मामा ले लिया, कैसे बाद में वो गुम हो जाते हैं तो बच्चे ले लेते नहीं, आ जाती दो। तो ये पेंसिल भी निकाल दिए, इसलिए इस चीज अच्छी हो बुरी चीज़ें हुआ थे, क्योंकि मेरे पेपर कल, मेरा पहला पेपर है, बस कल पेपर दे के। ये देखिए, ये मैं गई हूँ मेडिकल स्टोर पे, तो मेरी बेटी की जॉइंट पे ज़्यादा ख़राब है, फ्लू से नाक बंद गला बंद रेशा, इतना ज़्यादा खांसी कर करके, मैंने कहा शाम को पापा भी बीमार है कि डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। मेडिकल स्टोर पे गई तो उसने मुझे दी ये साँचे, मैंने बोली कहता ये दे तभी ठीक हो गया, मुझे कुछ बुखार है वही ला ला के, पापा को ये देने लगे। वही सामान को लेने गई थी, वो बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं होता, एक ऊपर छेल खाता है, देखे काम चेक करें इसके। ये आया ना अभी स्कूल से, किधर फेंकेगा यूनिफॉर्म देखना, कैसे उतार के फेंकेगा यूनिफॉर्म, किधर जाएगा इसका बैग, किधर जाएगा ये देखना, अभी इसके हाल चेक करें, अभी चेक करें, चीज़ों को शुरू हो गया पलट पलट। देखें चेक करें, चेक करें क्या ढूंढ रहा है। ये देखें, ये मैंने अब्दुल मनान लिया, ये बेचारा बहुत बीमार है, इतना वीक हो गया है, अभी कहता है कि मैंने बिस्कुट खाने हैं ना, मैंने बिस्कुट ला लो, पापा खुद बीमार है। मैंने कहा आस्ते आस्ते उठो ना, उठ के चले जाओ शाप तुम भाई, जाओ ले आओ, ये लाया अपने लिए बिस्कुट, बिस्कुट खाने हैं, फिर खाने तो बोलता नहीं है, बेचारा सुनता नहीं है, मेरे बच्चों के जवाब ये दुख हमें खा गया है, इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, माँ बाप को भी कोई काम नहीं है। ये देखिए हमारी ये रूटीन, जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है ना, उस दिन घर के सारे काम होते हैं, तो बंदा सुकून से होता है ना, कोई सुकून से बच्चों को लेना छोड़ना, उनको खिलाना पिलाना, तो आगे आगे पीछे भगना दौड़ना बच्चों के पीछे, तो फिर काम रह जाते हैं पूरे, कितने दो तीन हफ्ते से कपड़े जमा हुए हैं, आज देखें सारी सफाइयाँ करनी है, ये भी ठीक नहीं था, तो इसके पीछे पीछे ज़्यादा कपड़े जमा हो गए, आज इसके पापा भी गाने मेरे काम, मेरी हेल्प करें थोड़े से कपड़े जो है ना, ये दौड़ जाए, इतने ढेर ढेर पड़े हुए कपड़े, ये देखें क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, असियो कम दे गुलाम है जी, क्या हुआ, तो बीवियां सारा सारी जिंदगी करती हैं, इनकी हेल्प करते हैं, मिल के करते हैं, तो जी जी ऐसा मानने आना केड़ा इनकार है, ये क्या खराबी चल रही, बच्चे क्या करते, सबर सबर और तो काम और तो करते, ओ
पानी पैसी हो पानी बना पैसी आराम से मसले हल करे। देखो मेरे भाइयों, आप भी ना मेरी तरह मिलजुल के काम ये करो, चीज़ों के साथ बचत होगी, आपको अजर स्वाब मिले, ठीक है ना। बच्चे दोनों के होते हैं तो जिंदगी के साथी का क्या मतलब है, यही मतलब है ना, काम में साथ दें किसी का। कैसे डालेंगे क्या बात है, शाम हो गई है, बाहर इतनी अच्छी धूप है, बहुत प्यारी सी धूप है बस। नचोड़ जंगने जने चंगी तरह नचोड़ कपड़े, नहीं तो बेगम अच्छी तरह तक नचोड़ सी है, शाबाश और नचोड़ सही सही नचोड़, शाबाश, तसल्ली ना तसल्ली होगी, चल ठीक है, बहुत सोनी गल, बहुत सोनी गल। हुक्म भी मानना पड़ता है, सुलू की थ्राक से घर भी चलाना पड़ता है, समझे, उन सबको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। सर जी, मेरे बहन भाइयों, आपसे माजरत के साथ कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है हमारी, मसला ये था कि ये मेरे बच्चे बेचारे काफ़ी दिनों से बीमार हैं, तो मेरी अपनी बीवी ठीक नहीं रही, तो इस वजह से आई एम वेरी सॉरी, यानी कि काफ़ी दिनों बाद हम ये व्लॉग अपलोड कर रहे हैं वीडियो, बस मेरे बच्चों की सेहत की दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत सलामत रखे, और इंशाल्लाह आप रूटीन के साथ हम व्लॉग बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।